अग्रवाल केंद्रीय समिति द्वारा स्नेह नगर स्थित अग्रसेन भवन पर बीते करीब एक माह से जरूरतमंद लोगों में राशन वितरण करने से बचाव का वैक्सीनेशन और अन्य तरह के सेवा कार्य लगातार किए जा रहे हैं। अग्रवाल केंद्रीय समिति के महामंत्री पवन सिंघल ने बताया कि विगत 5 अप्रैल से समिति लगातार यह कार्य कर रही है। वहीं कोरोना से बचाव की वैक्सीन भी हर दिन यहां लगाई जा रही है। सिंघल के अनुसार आज लगभग 4000 पैकेट राशन और 20000 लोगों को अग्रवाल भवन में समिति द्वारा वैक्सीनेशन करवाया जा चुका है। इन्होंने इस कार्य के लिए समाजजनों के साथ ही विधायक आकाश विजयवर्गीय को श्रेय दिया। इस दौरान विनोद अग्रवाल, टीकम चंद सहित कई लोग मौके पर मौजूद रहे। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। सर बताएं किस तरह से किनके द्वारा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है? अग्रसेन, सबसे पहले तो मैं हमारे अग्रवाल समाज केंद्रीय समिति के जो वरिष्ठगण हैं, विनोद अग्रवाल जी, टीकम चंद जी, प्रेम भैया, हमारे अध्यक्ष गोविंद सिंघल जी, कुकी जी, अरविंद बागड़ी, हमारे संयोजक राजेंद्र राजू समाधान जी, राजेश इंजीनियर जी, अध्यक्ष मनोज बंसल जी, अरविंद बागड़ी जी, कोषाध्यक्ष अविनाश भाई, सबकी पूरी टीम, किशन भैया मेरा जो लगे हुए हैं, मैं इन सबका बहुत आभारी हूँ। हमारा 5 अप्रैल से विगत ये कोवैक्सीन का चालू हुआ है, जिसके प्रभारी हमारे पूरे राजेश इंजीनियर विनोद भागी जो ये काम कर रहे हैं। वाकई इनको पूरा हेड्स ऑफ है कि जो ये जिस तरह से हमारा पूरा टीम तो लगी हुई है, लेकिन जो प्रभारी है वो संभाल रहे हैं। दूसरा, मैं बहुत आभारी हूँ हमारे किशन गुप्ता जी और पूरी जो टीम है, जो हमारे राशन वितरण का कार्यक्रम चल रहा है अग्रवाल समाज के लिए, वो भी बहुत ही एक्सक्लूसिव चल रहा है और वाकई ये आखिर तक चलता रहेगा। हमारे उसके बाद हमारा एक निःशुल्क दवाइयाँ, वो गीता भवन हॉस्पिटल में अग्रवाल समाज के लोग, उनका निःशुल्क इलाज हो रहा है और निःशुल्क दवाइयाँ हम लोग दे रहे हैं। इसके बाद हमारा 350 रुपये में जो RT-PCR की जाँच वगैरह जो सब चल रही है, जो पूरा हमारा चालू है। 1000 रुपये में जो हमारा जो आपका सिटी स्कैन रहता है, 1000 रुपये में समाजजनों के लिए करवा रहे हैं। हमारी पूरी टीम पूरा तन मन धन के साथ सहयोग से लगी हुई है और एक बार फिर अपना हमारे अध्यक्ष गोविंद सिंघल जी, राजू समाधान जी, नवीन बागड़ी जी, प्रयोग गर्ग जी, हमारे सलाहकार राजेश इंजीनियर, विनोद आपका प्रेमचंद जी, गोयल कुकी जी, अरविंद बागड़ी जी और जो आपका विनोद अग्रवाल जी, टीकम चंद जी, इन सबका आभारी हूँ। जो इन्होंने पूरा, दिनेश मित्तल जी, इन्होंने अपना पूरा हमको आशीर्वाद दिया हुआ है कि आप तो लोग पूरी टीम काम करें, बाकी हम पीछे से। तो ऐसा समाज बहुत बढ़िया था। सर, आपदा का समय हो, चाहे कोई भी ऐसी विपदा हो, कुछ भी अच्छा भी हो, अग्रवाल समाज हमेशा आगे होता है। अन्य समाज के लोगों के लिए आप किस तरह से उन्हें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समाज अग्रवाल समाज काम कर रहा है और भी समाज काम कर रहे हैं, लेकिन एक मिलजुल के जो अग्रवाल समाज में जो इस टाइम जो ऐसे पैनेडेमिक टाइप में जो पूरा समाज मिलके आगे आया है, तो मेरी सबसे यही है कि सब समाज हैं, सब एक ही हैं, सबको मिलजुल के काम करना चाहिए और सबको इस स्थिति से, जो स्थिति है इतनी भयंकर, उससे जल्दी से जल्दी अपन निकलें और सब फिर खुशहाली आए और सब आए। सर, आप लोग अधिकतर व्यापारिक और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े हैं और अभी कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन आगे 1 तारीख को कोई अभी स्पष्ट नहीं हो पाया कि इंदौर में कर्फ्यू खुलेगा या नहीं खुलेगा, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सब लोग जो बिजनेस क्लास है वो सब वैसे तो परेशान है ही हैं, लेकिन इस महामारी से सबको जो प्रशासन से जो चाहेगा, सबके लिए वो समाज के लिए कर रहा है, लोगों के भलाई के लिए कर रहे हैं, खुद वो बेचारे सब, पूरा प्रशासन पूरा लगा हुआ है हमारे, सब लगे हुए हैं। तो ये मिलजुल के जैसा भी हो, सब मिलजुल के काम करेंगे और जो भी प्रशासन का सहयोग करेंगे, जैसे भी कोई प्रशासन हमारा कोई बुरा तो चाह नहीं रहा, लेकिन प्रशासन को भी देखे थोड़ा सा कि व्यापारी लोगों का टाइम है, थोड़ा सा व्यापार करने में छूट मिले, बाकी तो जो प्रशासन चाहेगा हम लोग सब साथ हैं। आपका परिचय? पवन सिंघल, महामंत्री अग्रवाल समाज के अध्यक्ष। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।